भारत माता की। शहीद सुरेंद्र शर्मा जी, शहीद सुरेंद्र शर्मा जी, शहीद सुरेंद्र शर्मा जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सुरेंद्र शर्मा जी, शहीद सुरेंद्र रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सुरेंद्र जी का। भारत माता की, भारत माता की, शहीद सुरेंद्र शर्मा जी, शहीद सुरेंद्र शर्मा जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के आदेश के मुताबिक मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम के अंतराल आज हम तिन्याड़ी गांव में शहीद सुरेंद्र जी जिन्होंने इस देश की रक्षा सुरक्षा अमन शांति के लिए अपना बलिदान दिया, उनके पिताजी भुईलाल जी और इस मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के अंतर्गत के इस इंचार्ज डॉक्टर नरेंद्र जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जसरोटिया अशोक जसरोटिया जी और तमाम इस गांव के जो मेरे बुज़ुर्ग साथी जो आज एकत्रित हुए हैं, तो हम सबका मकसद ये है कि जो अमृत वाटिका जो विजय पथ जो दिल्ली में बनने जा रहा है, तो एक कार्यक्रम है कि जिस जिस गांव में जहां जहां पोलिंग स्टेशन पे पूरे देश भर से जो लोग शहीद हुए हैं इस देश की खातिर, इस देश की शांति के लिए, इस देश में अमन शांति रहे, इस देश में सुरक्षा बनी रहे, उन्होंने अपना बलिदान जो दिया है उनको याद करने का, उनको नमन करने का आज एक कार्यक्रम है। और ये माटी हमारी कोशिश है कि ये माटी वहाँ उस पथ पे लगे जो सरकार ने बनाने का जो प्रयास, एक लक्ष्य जो निर्णय जो सरकार ने किया है, उसी के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। विशेष तौर मैं धन्यवादी हूँ इस परिवार का जिन्होंने ऐसा सपूत पैदा किया और पूरे गांव का जिन्होंने एक ऐसा होनहार नौजवान को इस गांव के उस कार्य करने के लिए यहां से प्रेरित करके भेजा और बहुत कम छोटी उम्र में अपने बलिदान दिया। आज मैं उनके स्टैचू के सामने खड़ा होकर उनको नमन भी करता हूं, श्रद्धांजलि भी देता हूं, याद करने का प्रयास भी करता हूं और सब नौजवानों से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि जैसे सुरेंद्र जी ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, इस भाव से हम भी देश के प्रति समर्पित हों। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं और जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया, विशेष तौर पर जसोटिया साहब का और जो हमारे साथी हैं, सबका मैं आभार हूँ। धन्यवाद। शब्द लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शब्द लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूँगा।